नागपुर हलचल में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। संपूर्ण देश में 13 से 15 अगस्त तक होने वाले हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी आर विमला, केंद्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सदस्य जयप्रकाश गुप्ता उपस्थित थे। गडकरी ने अपने निवास पर तिरंगा फहराकर अभियान की शुरुआत की। जिलाधिकारी ने सिटी सहित पूरे जिले में इस अभियान की तैयारी की जानकारी उन्हें दी। बताया कि संपूर्ण जिले में 12 लाख तिरंगा फहराए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में नागरिकों को तिरंगा ध्वज उपलब्ध कराने के लिए बचत गठों का निर्माण किया जा रहा है। जिला परिषद के CEO योगेश कुंभेजकर के मार्गदर्शन में ध्वज निर्माण के लिए बचत गठ कार्यरत हो रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियमों की जानकारी भी नागरिकों को डॉक्यूमेंट्री, पॉम्पलेट आदि के माध्यम से दी जा रही है। सेंट जेवियर स्कूल श्री कृष्णानगर के वरुण राहुल जोरे ने CBSE 10वीं कक्षा के परिणाम में 97% अंक हासिल किए। CBSE बोर्ड के 10वीं एवं 12वीं कक्षा के परिणाम शुक्रवार को घोषित हुआ। वरुण ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया है। उसने अपने शिक्षकों के प्रति भी उनके निरंतर समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। उसने कहा कि पढ़ाई के प्रति मेहनत करने और लगातार रिविजन करने से मुझे ये अंक हासिल करने में सहायता मिली। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत अजनी रेलवे स्टेशन पर सेंट्रल जेल के कैदियों द्वारा बनाए गए हस्तनिर्मित उत्पाद को बढ़ावा देने और बेचने के लिए एक स्टॉल खोला गया है। स्टॉल का उद्घाटन कारागार उप महानिरीक्षक स्वाति साठे ने किया। स्टॉल पर बेचने के लिए हस्तनिर्मित उत्पाद जैसे लकड़ी के सामान, लोहे के सामान, सूती चादर, तौलिए और अन्य सजावटी सामान प्रदर्शित किए गए हैं। स्टॉल सभी नागरिकों के लिए सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। उप महानिरीक्षक स्वाति साठे के अनुसार बंदियों द्वारा बनाए गए उत्पाद सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जिसका लाभ स्टेशन पर आने वाले सभी यात्रियों को भी होगा। एक स्टेशन एक उत्पाद एक अवधारणा के रूप में उस क्षेत्र के रेलवे स्टेशन को उत्पाद के लिए एक प्रचार और बिक्री केंद्र बनाकर भारतीय रेलवे के प्रत्येक पड़ाव से एक स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के समान विचार के साथ एक स्टेशन एक उत्पाद का ध्यान परिस्थिति व तंत्र को सक्षम करने और आय, स्थानीय रोजगार, कौशल और आजीविका में सुधार के लिए स्थिर विपणन मंच प्रदान करने को प्राधान्य दिया जाएगा। मनपा धर्मपेट जोन में कार्यरत जवान सुबोध धर्मठोक 5 जुलाई ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना के शिकार हुए थे। उन्हें तत्काल कुणाल अस्पताल में दाखिल किया था। ICU में लगातार उपचार चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से 9 जुलाई को उनका निधन हो गया। उनके परिवार को NDS दस्ते के अधिकारियों और सदस्यों ने 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की तथा परिजनों को सांत्वना दी। इस अवसर पर NDS प्रमुख वीरसेन तांबे, सभी जोन प्रमुख संजय खंडारे, धर्मराज कटरे, पवन डोंगरे, नरहरी भिरकाड़, नत्थू खांडेकर, सुशील तुप्ते, प्रशांत राउत, अरविंद बघीले, सुधीर सुड़के, संजय सोनू ने, नरेंद्र तुरकर तथा दिलीप सिंह सूर्यवंशी उपस्थित थे। बड़ी संख्या में धर्मपेट जोन के NDS जवान भी उपस्थित थे। जीवन में सरलता लाना बेहद जरूरी है, ये उद्गार परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी के परम प्रिय शिष्य परम पूज्य मुनि श्री प्रशम सागर ने अपने उद्बोधन में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मोठे मंदिर के इंद्र भवन में कहे। उन्होंने आगे कहा कि स्वाध्याय करना जरूरी है। कहा गया है, स्वाध्याय परम तप है। राजगृह बिहार में महावीर भगवान का समव शरण आया था। सभी लोग भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे। एक बावड़ी का मेंढक के भी दर्शन करने के भाव हुए। वो बावड़ी में एक कमल के फूल की पाखुंडी में मुंह दबाकर निकला। रास्ते में राजा श्रेणिक भी हाथी पर बैठकर दर्शन के लिए जा रहे थे। उसी हाथी के पैर से कुचलकर मेंढक मर गया, तो वो मरकर भी तुरंत महावीर भगवान के समव शरण में दर्शन के लिए उपस्थित हुआ। कहने का मतलब ये है कि यदि अच्छे भाव से मरण हुआ तो सद्गति अवश्य प्राप्त होती है। ये तभी संभव है जब हमारे जीवन में हम सरलता लाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। समय मन वचन और शरीर की शुद्धि होनी चाहिए, इसलिए जैसे ही स्नान हो जाता है तो पहले भगवान का अभिषेक, शांति धारा, पूजन और आरती करना चाहिए। 8वीं पातशाही गुरु हरिकृष्ण देव जी के अवतार दिवस के उपलक्ष्य में जरीबटका स्थित जी कुमार आरोग्य धाम में गुरु हरिकृष्ण देव मार्ग का विधिवत उद्घाटन एडवोकेट माधवदास ममतानी के हस्ते हुआ। इस अवसर पर पूर्व विधायक डॉक्टर मिलिंद माने, मनपा के स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा, पूर्व नगर सेविका प्रमिला मथरानी व सुषमा चौधरी, डॉक्टर विकी रुगवानी, एडवोकेट विनोद लालवानी, संजय चौधरी,
दादा विजय केवल रामानी राजेश बटवानी मंच पर उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा गुरु नानक देव जी, गुरु हरि कृष्ण देव जी व भगवान धन्वंतरी के चित्रों पर माल्यार्पण करके किया गया। जी कुमार आरोग्य धाम के संचालक डॉक्टर गुरुमुख ममतानी ने प्रास्ताविक भाषण में बताया कि गुरु हरि कृष्ण देव मार्ग गुरु नानक सोसाइटी से लेकर जी कुमार आरोग्य धाम तक का मार्ग नागपुर महानगर पालिका द्वारा स्वीकृत किया गया। उन्होंने गुरु हरि कृष्ण देव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। वीरेंद्र कुकरेजा ने इस अवसर पर सबको बधाई देते हुए कहा कि भविष्य में अन्य 9 गुरुओं पर भी जरीपटका क्षेत्र के मार्ग व बगीचे को नाम दिए जाएंगे। डॉक्टर मिलिंद माने ने कलगीधर सत्संग मंडल के नेक कार्यों को सराहा। इस अवसर पर पूर्व नगर सेविका प्रमिला मथरानी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। विदर्भ के 13 लाख व्यापारियों की अग्रणी व शीर्ष संस्था नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष स्वप्निल अहिरकर, सह सचिव राजवंत पाल सिंह तुली एवं कार्यकारिणी सदस्य व अप्रत्यक्ष कर उप समिति के संयोजक सीए रितेश मेहता ने राजीव कुमार मित्तल से उनके कार्यालय में मुलाकात कर जीएसटी एवं वैट संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रतिवेदन किया। चेंबर के उपाध्यक्ष स्वप्निल अहिरकर ने कहा कि जीएसटी विभाग द्वारा खाद्य व अनाज पर जीएसटी लागू किया गया है, किंतु आजादी के पूर्व काल से आज तक खाद्यान्न सामग्री संबंधित वस्तुओं पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं था। कृषि क्षेत्र भारत सबसे बड़ा उद्योग, किंतु अब सरकार ने उस क्षेत्र से संबंधित जीवनावश्यक वस्तुओं एवं कृषि उत्पादित वस्तुओं पर भी जीएसटी लगा दिया है, जो कि अव्यवहारिक एवं अन्याय है। जीएसटी लागू करने के कारण इन वस्तुओं की कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। आम जनता पर बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ बढ़ेगा और ये वस्तुएं उनकी ही पहुंच से दूर होती जाएंगी। अतः जीएसटी विभाग इन वस्तुओं पर लागू की गई जीएसटी को तुरंत वापस लेकर आम जनता को राहत देना चाहिए। चेंबर के सहसचिव राजवंत पाल सिंह तुली आईसीटी के बिलों के मिलान हेतु जीएसटी प्रक्रिया को सरलीकरण करने की मांग की। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण को दोबारा बहाल करने के आदेश पर संतोषजनक प्रतिक्रिया दी। सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि संविधान ने जो ओबीसी समुदाय को राजकीय आरक्षण दिया था, उसे कुछ लोग समाप्त करने की साजिश रच रहे थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय के चलते हमें दोबारा आरक्षण मिल गया। इस सटीक निर्णय के लिए नागपुर के ओबीसी समाज ने एकजुट होकर खुशियां मनाई एवं राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष बबनराव तायवाड़े को धन्यवाद दिया। राष्ट्रीय ओबीसी विदर्भ महासचिव विजय पटले का भी सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम में देवानंद टेमरे, प्रमोद पटले, हिंदलाल ठाकरे, प्रेमचंद कुमार बोपचे, कृष्ण कुमार ठाकरे, दीपक पटले, तुकाराम परिहार, होम परिहार, दुर्गेश रंगडाले, गैंदलाल हरिनखेड़े, ओम परिहार, किशोर बोपचे, मनोज मुंजारे, दुर्गेश पटले, राजू रहांगडाले आदि उपस्थित थे। महामेट्रो द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए समय समय पर हमेशा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी तरह आज और कल मेट्रो स्टेशनों पर महामेट्रो की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। शनिवार और रविवार दरअसल छुट्टी के दिन होते हैं और आमतौर पर नागरिक परिवार समेत सैर करने निकलते हैं। मेट्रो स्टेशन पर किसी न किसी वजह से नागरिक आ जाते हैं। कई युवा यात्री अपनी कला का प्रदर्शन भी करते हैं। दिन भर स्टेशन क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना रहता है। आज धर्मपेट कॉलेज मेट्रो स्टेशन में दोपहर 12 बजे से लेकर रात 9 बजे तक फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। कल सीताबर्डी इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन में सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक शॉपिंग कार्निवल रहेगा। कल सीताबर्डी इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन पर शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक संगीत कार्यक्रम रहेगा। खापरी मेट्रो स्टेशन पर कल दोपहर 12 बजे से लेकर रात 9 बजे तक फूड फेस्टिवल जारी रहेगा। खास बात यह है कि शहरवासी रविवार मेट्रोवार सहपरिवार की अवधारणा को बड़ी संख्या में अपना रहे हैं। रविवार को सैर पर जाते समय शहर के नागरिकों की ये पहली पसंद होती है। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोवैक्सीन का टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सहकलाकार एवं निदेशक महामेट्रो श्याम दुबे ने नागपुर मेट्रो रेल परियोजना का दौरा किया। महामेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉक्टर ब्रजेश दीक्षित ने मेट्रो भवन में उनका स्वागत किया और उन्हें महामेट्रो के नागपुर और पुणे रेल परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही बताया नासिक मेट्रो प्रोजेक्ट भी महामेट्रो द्वारा
कार्यान्वित किया जा रहा है। सेंट्रल रोड फंड परियोजना के तहत नई मुंबई में सिडको मेट्रो रेल परियोजना की प्रस्तुति भी दी गई और जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर परियोजना निदेशक महेश कुमार, परिचालन निदेशक सुनील माथुर, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग विभाग के निदेशक अनिल कोकाटे, वित्त निदेशक हरिहर पांडे के साथ कई वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पुणे मेट्रो रेल परियोजना संचालक तथा निदेशक अतुल गाडगिल, प्रणाली निदेशक विनोद अग्रवाल, बैंगलोर मेट्रो रेल परियोजना के निदेशक ढोक भी मुख्य रूप में शामिल हुए। दुबे ने महामेट्रो द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजना की विस्तृत जानकारी लेने के बाद समाधान व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि महामेट्रो उक्त परियोजना को बहुत बेहतरीन तरीके से लागू कर रही है। रामटेक के शिवसेना सांसद कृपाल तुमाने उन 12 सांसदों में शामिल हो गए हैं जो बगावत करते हुए एकनाथ शिंदे गुट में जा पहुंचे हैं। नागपुर आगमन पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान दावा किया कि जल्द ही और 3 सांसद उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिवसेना के 40 विधायक और 12 सांसद बार बार उद्धव ठाकरे से महाविकास आघाड़ी छोड़ने की विनती कर रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति के लिए उन्होंने पूरी पार्टी को तबाह कर दिया। आज जो स्थिति है वह सभी देख रहे हैं। बावजूद इसके अभी भी महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलने का कोई संकेत तक नहीं दे रहे। तुमाने ने सवाल उठाया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार के साथ इनका प्रेम क्यों। तुमाने ने खुलासा किया कि हम अभी भी शिवसेना में ही है, सिर्फ गठनेता बदला है। विनायक राउत और अरविंद सावंत संसद में दूसरों को बोलने ही नहीं देते। बुधवार को केवल औपचारिक बैठक होती थी, बाद में यह बैठकें भी बंद हो गई जिसके कारण उन्हें गठनेता पद से हटा दिया गया। तुमाने ने कहा कि हमने किसी की पीठ में खंजर नहीं खोपाए। सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ रनिंग शाखा के आह्वान पर लोको पायलट और ट्रेन मैनेजरों ने शुक्रवार को अपनी समस्याओं को लेकर मध्य रेल DRM ऑफिस में सक्षम प्रशासक के तुगलकी फरमान के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने बताया कि सीनियर DEOM ने आदेशानुसार 1 अगस्त से ट्रेन मैनेजर के लाइन बॉक्स बंद किए जा रहे हैं। लाइन बॉक्स की जगह ट्रॉली बैग खरीदने का आदेश जारी किया है। जब से रेलवे अस्तित्व में आई है तब से ट्रेन मैनेजर की लाइन बॉक्स की व्यवस्था है। लाइन बॉक्स में रेलवे के कार्य संबंधित सामग्री तथा सुरक्षा उपकरण रहते हैं। लाइन बॉक्स बंद करना यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने जैसा जोखिम भरा निर्णय है। ट्रेन मैनेजर जब ड्यूटी पर जाते हैं तो उनके पास उनका खुद का एक बैग होता है जिसमें 2-3 दिनों तक रनिंग रूम में उपयोग होने वाली सामग्री होती है। साथ में 4-5 लीटर पानी का बॉटल बैग भी होता है। सभी को मालूम है इंसान को केवल 2 हाथ होते हैं, बिना तीसरे हाथ के तीसरा बैग उठाना संभव नहीं है। शायद रेलवे के अधिकारियों को यह पता नहीं है इसलिए ऐसे अनाप शनाप आदेश जारी कर रहे हैं। जिला परिषद शालाओं में 700 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त है जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। बीते 2-3 वर्षों में जिला परिषद शालाओं में विद्यार्थियों की संख्या भी आशाजनक रूप से बढ़ती जा रही है। ऐसे में विद्यार्थियों के हित में जिला परिषद से सेस फंड से निधि का प्रावधान पर कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों की भर्ती का निर्णय लिया गया है। पहले चरण में 70 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और शिक्षा समिति की बैठक में इन शिक्षकों के मानधन के लिए सेस फंड से 28 लाख रुपयों का प्रावधान को मंजूरी दे दी है। इस शिक्षकों को 5,000 रुपए महीने मानधन दिया जाएगा। शिक्षा सभापति भारती पाटिल ने 15 दिनों में संपूर्ण प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिया है। ग्रामीण भागों के सुशिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। जिला परिषद के बीते आम सभा में अनेक सदस्यों ने शालाओं में शिक्षकों की कमी के चलते विद्यार्थियों की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ने का मुद्दा उठाया था। सदस्यों का कहना था कि गोंदिया भंडारा जिला परिषद की तर्ज पर अपने सेस फंड बजट से कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों की भर्ती कर व्यवस्था की जा सकती है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना रेडखंड पर तीसरी लाइन में इन दिनों रखरखाव कार्य किया जा रहा है। इसके कारण 20 गाड़ियों को रद्द किया गया है जबकि कुछ को विलंब से रवाना किया जाएगा। 25 एवं 26 जुलाई को ट्रेन नंबर 08743 गोंदिया इतवारी मेमू, ट्रेन नंबर 08744 इतवारी गोंदिया मेमू, ट्रेन नंबर 08267 रायपुर इतवारी मेमू, ट्रेन नंबर 18239 कोरबा इतवारी एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 18240 इतवारी बिलासपुर एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12855 बिलासपुर इतवारी इंटरसिटी एक्सप्रेस,
ट्रेन नंबर 08741 दुर्गा गोंदिया स्पेशल और ट्रेन नंबर 08742 गोंदिया दुर्गा स्पेशल ट्रेनें रद्द रहेगी। इसी प्रकार 26 और 27 जुलाई को ट्रेन नंबर 08268 इतवारी रायपुर मेमू, ट्रेन नंबर 12856 इतवारी बिलासपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द रहेगी। 25 जुलाई को ट्रेन नंबर 11754 रीवा इतवारी एक्सप्रेस, 26 जुलाई को ट्रेन नंबर 11753 इतवारी रीवा एक्सप्रेस, 24, 25 एवं 26 जुलाई को ट्रेन नंबर 18109 टाटानगर इतवारी एक्सप्रेस, 26, 27 एवं 28 जुलाई को ट्रेन नंबर 18110 इतवारी टाटानगर एक्सप्रेस, 25 जुलाई को ट्रेन नंबर 12771 सिकंदराबाद रायपुर एक्सप्रेस, 27 जुलाई को ट्रेन नंबर 12772 रायपुर सिकंदराबाद, 24 जुलाई को ट्रेन नंबर 22620 त्रिनोवेल्ली बिलासपुर एक्सप्रेस, 26 जुलाई को ट्रेन नंबर 22619 बिलासपुर त्रिनोवेल्ली एक्सप्रेस, 25 जुलाई को 20823 पुरी अजमेर एक्सप्रेस, 26 जुलाई को 20824 अजमेर पुरी एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द रहेगी। शहर में एक और जहां कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, वहीं पर अब बारिश शुरू होने के बाद लगातार डेंगू की मरीजों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी हो रही है। गर्मी के दिनों में कूलर लगाने के बाद टंकियों में पानी जमा रहना तथा बारिश के दौरान कुछ स्थानों पर पानी जमा होने के कारण डेंगू की इल्लियां पैदा होने की जानकारी मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से उजागर की गई है। यही कारण है कि अब डेंगू प्रतिबंधनात्मक उपाय योजनाओं को लेकर जोनल स्तर पर घरों में जाकर सर्वे किया जा रहा है। मनपा के स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर जस्मीन मुलानी ने बताया कि शुक्रवार को सभी जोनल सर्च टीमों द्वारा कुल मिलकर 4,250 घरों का सर्वे किया गया। इस अभियान में 10,963 कंटेनर्स, 1,724 कूलर का निरीक्षण किया गया, जिसमें 128 घरों में डेंगू की इल्लियां पाई गई, 147 कंटेनर तथा 32 कूलर में डेंगू की इल्लियां पाई गई। इसके अलावा सर्वे के दौरान डेंगू के कारण बुखार के 11 मरीज भी मिले हैं। सभी के इलाज के लिए उचित प्रबंध किए जा रहे हैं। भवन स्कूल श्रीनगर शाखा की होनहार छात्रा आदिति आनंद शर्मा ने CBSE 10वीं बोर्ड परीक्षा में 96.80% मार्क्स हासिल कर शानदार सफलता प्राप्त की है। अदिति ने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षक शिक्षिकाओं एवं परिजनों को दिया है। राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, धन्य है वे लोग जिनकी योग्यता से प्रसिद्धि कम है। ये पंक्तियाँ प्रसिद्ध समाजसेवी, प्रखर वक्ता व अनेक पुरस्कारों से सम्मानित श्री गिरीश गांधी पर सटीक बैठती है। अपने जीवन के 75 वसंत देख श्री गांधी के अमृत महोत्सव पर ये विचार व्यक्त करते हुए महाराष्ट्र प्रवेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अतुल कोटेचा ने कहा कि श्री गिरीश गांधी हजारों युवाओं में एक प्रेरणा स्रोत एवं सामाजिक सरोकारों के आधार स्तंभ है। न केवल उपराजधानी बल्कि संपूर्ण विदर्भ वासियों के लिए यह एक आनंद का क्षण है कि प्रखर व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर गांधी का अमृत महोत्सव मनाने का सौभाग्य उनके चाहने वालों को मिला है। सभी प्रशंसक उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, क्रीड़ा, साहित्यिक व पर्यावरण आदि क्षेत्रों में दिए गए उनके योगदान से परिचित है। यह सभी क्षेत्र उनके पसंदीदा है। दूरदर्शी, मृदु स्वभाव व प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी श्री गांधी द्वारा विविध क्षेत्रों में किए गए असंख्य कार्यों की लंबी सूची है। एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में वे आज भी पूरी निष्ठा के साथ सक्रिय नजर आते हैं। दूरगामी और परिणामकारक उपक्रमों के माध्यम से उन्होंने अपनी एक विशेष छवि और पहचान स्थापित की है। नागपुर शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगने वाले हैं। अजनी चौक स्थित क्लॉक टॉवर एक बार फिर से शुरू हो गया है। मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्ण बी ने कम लागत और कम समय में भारत सरकार की कंपनी HMT लिमिटेड द्वारा क्लॉक टॉवर को सफलतापूर्वक शुभारंभ करने पर कंपनी के अधिकारियों को बधाई दी है। मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्ण बी ने 2014 से बंद क्लॉक टॉवर कार्य को दोबारा शुरू करने के लिए HMT कंपनी के इंजीनियर वेंकटेश को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उपायुक्त मिलिंद मेश्राम, अधीक्षक संजय दहीकर, सहायक निरीक्षक जितेंद्र सिंह तोमर ने भी उनकी सराहना की। मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्ण बी ने अजनी चौक स्थित क्लॉक टॉवर का निरीक्षण किया। उपायुक्त मिलिंद मेश्राम,
HMT कंपनी इंजीनियर वेंकटेश, सहायक अधीक्षक संजय दहीकर, कनिष्ठ निरीक्षक जितेंद्र सिंह तोमर, अनिल मोहिते, राजू सोनकर, सहायक अधीक्षक धनंजय जाधव आदि अधिकारी गण इस अवसर पर उपस्थित थे। अजनी चौक स्थित सेंट्रल जेल से अधिग्रहित जमीन पर नागपुर महानगर पालिका द्वारा वर्ष 2012 में क्लॉक टावर बनवाया गया था। इस पर करीब 40 लाख रुपए खर्च किए गए थे। 21 मीटर स्टेनलेस स्टील संरचना पर 2 मीटर से ऊंचे प्रिज्म आकार की घड़ी लगाई गई थी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूरे नागपुर शहर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साहपूर्वक लागू किया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से 13 से 15 अगस्त की अवधि के दौरान नागपुर शहर के लगभग 6 लाख घरों पर तिरंगा लहराने का लक्ष्य है। मनपा आयुक्त दीपक कुमार मीना ने नागपुर महानगर पालिका की इस पहल का समर्थन करते हुए शहर के सभी स्वयंसेवी संस्थाओं और नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस गौरवपूर्ण अभियान में भाग लेने की अपील की है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्रियान्वित होने वाले हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी की समीक्षा के लिए शुक्रवार को मनपा मुख्यालय में शहर के विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से मनपा अधिकारियों ने चर्चा की। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति स्थायी समिति सभागृह में हुई इस चर्चा सत्र के दौरान अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, उपायुक्त रविंद्र भेलावे, सहायक आयुक्त प्रकाश वराडे, खेल अधिकारी पीयूष अम्बुलकर, उपद्रव खोजी दल के प्रमुख वीरसेन तांबे के साथ पूर्व नगर सेवक जितेंद्र घोड़ेश्वर और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधिगण मौजूद थे। इस अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के विशेष कार और बाइक स्टिकर के बारे में भी चर्चा की गई। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।